everyone, welcome to Tiny Fits. स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल Tiny Fits पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को अधिकतर कुल्लों में दर्द होता है, पैरों के बीच में दर्द होता है, जांग में दर्द होना यानी कि जांग की हड्डी में, कुल्ले की हड्डी में दर्द होता है। तो ये दर्द क्यों होता है, क्या कारण रहता है और ये दर्द किस टाइम पर होना अच्छा माना जाता है, और साथ ही मैं इससे दर्द से छुटकारा पाने के लिए आपको कुछ टिप्स भी बताऊंगी। तो कुल मिला के ये वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी का जैसे ही दूसरा तिमाही शुरू होता है तो इस दर्द की समस्या अक्सर महिलाओं में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बहुत सारी महिलाओं की जांघ की हड्डी में दर्द होता है, कुल्ले की हड्डी में दर्द रहता है, पीठ में दर्द सताता है, पैरों के दोनों बीच में यानी कि पैरों की हड्डियों में दर्द होना शुरू होता है। तो ये जो दर्द होने का जो मेन कारण है, जैसे प्रेगनेंसी हार्मोन्स में क्या होता है कि आपके हार्मोन्स काफी डिसबैलेंस होते हैं, प्रेगनेंसी जो हार्मोन्स है MSH लेवल उसका, प्रेगनेंसी पूरी प्रेगनेंसी में उसका लेवल हाई होता है, तो उस वजह से क्या होता है कि आपकी बॉडी में जो एक रिलैक्सिंग हार्मोन्स है वो डिस्चार्ज होता है, जिस वजह से आपके जितने भी बॉडी में जॉइंट्स है उनमें लिगामेंट आना शुरू होता है यानी कि वो ढीले पड़ने शुरू होते हैं। इस वजह से महिलाओं को इस तरह की दर्द की समस्या अक्सर हो जाती है। तो ये जो दर्द होता है ये इस वजह से भी होता है कि बॉडी अपने आप को एक डिलीवरी के लिए प्रिपेयर करती है कि आपका ज्यादातर जो पेल्विक हिस्सा है वो नरम पड़ेगा, सॉफ्ट होगा, वहां की हड्डियों में क्या होगा फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, तभी एक डिलीवरी पॉसिबल हो पाता रहता है। और बहुत सारी महिलाओं को ये दर्द हो जाता है कैल्शियम की कमी की वजह से भी। तो ये जो इस तरह का दर्द होता है, पहली बात मैं बता दूं कि ये बिल्कुल नॉर्मल है, अक्सर महिलाओं को होता है, ऐसा नहीं है कि आपको ही होता है। हो सकता है आपको ये दर्द ज्यादा हो, बहुत सारी महिलाओं कमर में दर्द परेशान करता है, तो यहाँ पर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी भी होती है, इस वजह से भी जोड़ों में दर्द होता है। बट जो मेन रीजन जैसे मैंने बताया कि बॉडी में रिलैक्सिंग हार्मोन्स आने की वजह से आपके जितने भी बॉडी में जॉइंट्स हैं उनमें ढीलापन आना शुरू होता है, वो अपनी जगह से मतलब थोड़े से खिसकने शुरू होते हैं, इनके अपनी जगह छोड़ते हैं, तो इस वजह से महिलाओं को पेन की समस्या बढ़ती है। खासकर आपके जो बैक एरिया है, नीचे का पेल्विक हिस्सा है, वो वहां पर दर्द की समस्या अक्सर ज्यादा होती है। तो ये खासकर लास्ट तिमाही में ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि बच्चा अपनी पोजीशन चेंज करता है, अपनी जगह छोड़ता है, अपनी जगह बदलता है, यानी कि बर्थ पोजीशन में बच्चा जाता है, तो उस टाइम पर ये दर्द होना नॉर्मल सी बात करते हैं कि इस तरह के दर्द से आप किस तरह से थोड़ी सी आपको राहत मिल सकती है। देखिए, प्रेगनेंसी के टाइम पर आपको बहुत देर तक खड़े नहीं रहना चाहिए, यानी कि एक पोजीशन में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। ऐसे में क्या होता है कि आपके शरीर का भार पहले से ज्यादा हो जाता है, आपका वेट बढ़ा है, आपके बच्चे का भी डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है, तो वेट ज्यादा होने की वजह से आपके पैरों की हड्डियों पर, उनकी नसों पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से आपको दर्द की समस्या बढ़ती है, दर्द का प्रॉब्लम होता है। और साथ ही साथ आपके जितने भी जॉइंट एरिया, यानी कि घुटने हुए, आपके थाइस वाले एरिया हुआ, और आपके कुल्लों की हड्डी हुई, जांघों की हड्डी हुई, उन पर अधिकतर प्रेशर पड़ने की वजह से आपको इस तरह की दर्द की समस्या होती है। तो कोशिश करें कि आप एक ही पोजीशन में ना खड़े हो, बहुत देर तक आपको खड़े नहीं रहना चाहिए प्रेगनेंसी में, चाहे आप वर्किंग है या घर का काम कर रही है, तो थोड़े थोड़े टाइम के लिए आप अपनी पोजीशन को बदले बैठे, इस तरह से लगातार खड़े नहीं रहना चाहिए। नंबर टू है फ्रेंड, जैसे प्रेगनेंसी में आपको बहुत ज्यादा पैदल नहीं चलना चाहिए, पैदल चलने की वजह से भी जो आपके वेट है वो बहुत देर तक आपके पैरों पर रहेगा और थकान होगी, इस वजह से भी आपको पेन की समस्या बढ़ सकती है। तो यहाँ पर कोशिश करनी चाहिए कि आप बहुत ज्यादा पैदल नहीं चले, आप वॉक करें। वॉक का एक टाइम होता है 10-15 मिनट 20 मिनट आपने सुबह शाम करें, वो भी एक रिदम होता है, ऐसा नहीं कि आप किलोमीटर चले जा रहे हैं। इस वजह से भी बहुत सारी महिलाओं में गलतफहमी होती है कि ज्यादा पैदल चलने की वजह से नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, तो ये गलती भी नहीं करनी है, आपको बहुत ज्यादा वॉकिंग नहीं करनी है। सिम्टम है फ्रेंड्स कि आपको आपके सोने का जो पोजीशन है वो अच्छा रखना है, यानी कि जो पोस्चर है, बॉडी के पोस्चर के बिगड़ने की वजह से भी इस तरह की दर्द की समस्या बढ़ती है। तो आपको प्रेगनेंसी में अपना पोस्चर एकदम ठीक रखना है, बैठने उठने के टाइम पर सपोर्ट लेके बैठे, और जैसे आप बैठती हैं तो पीछे तकिया का यूज करें, सोते टाइम आप पिलो का यूज करें, आपके दोनों के पैरों के बीच में पिलो रखें ताकि आपको एक सपोर्ट मिल पाए, आपके टमी को सपोर्ट मिल पाए, इस तरह से भी आप अपने इस तरह के दर्द से काफी आराम मिल। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो को एक लाइक करेगा, शेयर करेगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से जाकर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।